हमारे यहां सिद्धियों में सबसे बड़ी सिद्धि कही गई है आसन सिद्धि। आप जिस दिन तीन चार घंटे कम से कम एक आसन पर एक तरीके से बैठने की आदत डाल लें, ये समझ लीजिए आप शक्तिशाली हो गए। उसका क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा? सपोज मैं अभी जिस पोस्चर में, ये ब्राह्मण देवता भी बैठे हैं जिस पोस्चर में, ये पोस्चर क्यों कीमती है? देखिए हमारे संगीत वाले भैया लोग भी बैठे हैं, क्यों कीमती है? जब आप ऐसे बैठते हैं, प्रॉपर वे में ऐसे बैठते हैं, तो आपका मेरुदंड, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। हम किस्मत वाले हैं कि मनुष्यों की हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, जो सीधे अंतरिक्ष से मिलती है, बाकी सारे पशुओं की झुकी हुई होती है। पशुओं में क्या होता है? झुकी होती है। ध्यान रखिएगा, हमारी सीधी है। तो जब हम ऐसे बैठते हैं, सहज भाव में बैठते हैं, तो यहां हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, यहाँ छेद है सुई की नोक के बराबर, जो अंतरिक्ष से जुड़ता है। तो जब ये सीधी होगी तो ये छेद बिल्कुल उसके अंदर कनेक्ट होता है। तो अंतरिक्ष से हम बहुत कुछ ले सकते हैं, वो तब ले सकते हैं जब आपका आसन अर्थात आपको बैठना आएगा। और एक बार ध्यान रखना, कई बार आप सोचते होगे, महाराज जी थे तो मान, इतनी देर बैठ गए, एक से मानवान वाली कोई बात नहीं। हाँ मैं सही कह रहा हूं, आप लोग जिस तरीके से बैठते हैं आपको थकान होगी, हमें नहीं होगी, क्योंकि ये कंफर्ट जोन है। ऐसे भी फिर वैसे भी फिर वैसे फिर ऐसे। जितना पोस्चर चेंज करोगे उतनी थकान होगी, जितना एक पोस्चर में बैठोगे थकान नहीं होगी। तो ध्यान रखिए, इस गूढ़ बात बता रहा हूं मैं आपसे, हालांकि बतानी नहीं चाहिए।